ये जो है ये आप देख रही हैं, ये ओबान होटल की बिल्डिंग है और ये सिक्योरिटी गेट है। यहाँ से अगर आपने रूम्स में जाना है तो यहाँ से एंट्रेंस है। ये नीचे इनकी बेसमेंट की पार्किंग है और रेस्टोरेंट में जाने का है, अंदर वहाँ से भी जा सकते हैं और ये यहाँ से भी रास्ता है ना इसका। एग्जेक्टिव स्वीट 215। आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ, यहाँ से कमरे में एक मिनी बार की फ्रिज पड़ी है और ये बेड है और इसके बाद ये इसका एक लिविंग एरिया है जहाँ पे अपने गेस्ट को आप इंटरटेन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इधर से शुरू होते हैं, इधर ये इलेक्ट्रिक कैटल पड़ी है और चाय का सामान है, ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री है, आप अपनी चाय खुद बना सकते हैं इधर से। और मिनरल वाटर की बोतल है एक। इसके बाद ये डेस्क आ जाता है, डेस्क पे ये फूड गेस्ट के लिए रखा होता है जब गेस्ट चेक इन होता है, और साथ ही ये मास्क और सैनिटाइज़र भी है जिसको ये लोग कोरोना किट कहते हैं। और फिर ये अगर आपने फूड ऑर्डर करनी है तो ये एक बार मेन्यू है और या बार से आप ऑर्डर कर सकते हैं शेक्स या जूसेस या कॉफ़ी टी वगैरह। और फिर अगर आपने खाना रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाना तो ये खाने का मेन्यू भी है, रूम सर्विस मेन्यू भी है जिसमें से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन डिमांड मिलती हैं और जिसमें ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें हैं, जैसे बेबी स्ट्रोलर है, कॉट है, बेबी मिल्क बॉटल है और इस तरह से हेयर ऑयल वगैरह है जो आप ऑन ऑर्डर ले सकते हैं, ऑन डिमांड ले सकते हैं और वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, ये है हमारी आगे मिनी बार की और इसमें हम देखते हैं क्या है। ये मिनी बार है, मिनी बार जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, ये चार्ज होती है। इसमें ड्रिंक्स पड़े हैं, चॉकलेट्स पड़ी हैं और वो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक भी पड़ा है, मिनरल वाटर पड़ा है। तो इसमें से अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम करूँगा तो उसका मुझे बिल पे करना पड़ेगा। बाथरूम में ये देखें, ये है बाथरूम में चीज़ें पड़ी हैं और हेयर ड्रायर भी पड़ा है और ये जो बाथरूम की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, शैम्पू की छोटी सी बॉटल है और शेविंग किट भी है और कॉम भी है और शू शाइनर भी है। और ये मेरे ख्याल ये क्या है, ये अगर आपका बटन टूट जाए ट्रैवलिंग के वक्त तो ये स्विंग किट भी है और इसके अंदर ये शॉवर है और आपके पास टॉवल्स की भी काफ़ी तादाद मौजूद है। ये जूनियर स्वीट की ये जो नंबर प्लेट लगी हुई है 401 जूनियर स्वीट, इसमें हम एंटर होते हैं तो ये एंटर होते ही इनका जो है ये सिटिंग एरिया आ जाता है और सिटिंग एरिया में वही फ्रूट हमारे लिए पड़ा है, जो भी नया गेस्ट आएगा चेक इन होगा उसके लिए फ्रूट होगा। अच्छा, इधर सबसे मज़े की बात ये है कि इधर से बाहर का व्यू बड़ा शानदार है और मज़े का है। ये बीकन हाउस जो लिबर्टी कैंपस है उसका व्यू इस वक्त नज़र आ रहा है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है उससे एग्जेक्टिव स्वीट से, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज उसी तरह से ही हैं। मेन्यूज पड़े हैं, वो कोरोना की किट पड़ी है और ऑन डिमांड आइटम्स की लिस्ट भी पड़ी है, जो आपको ज़रूरत हो तो आप कॉम्प्लीमेंट्री मंगवा सकते हैं। LCD है, उसका रिमोट है, AC का रिमोट है और फ़ोन भी लगा हुआ है। मिनी बार में भी तकरीबन वही चीज़ें पड़ी हैं। इधर भी चाय का सामान इधर भी मौजूद है और इसमें कहवे के भी टी बैग हैं और चाय के भी हैं, आप इधर चाय अपनी खुद बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एक वाटर बॉटल भी साथ दी जाती है। बाथरूम में हम देखते हैं बाथरूम में क्या है, बाथरूम में भी वही फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं जो बाथरूम में इस्तेमाल हो सकती हैं, शैम्पू वगैरह पड़ा है, शू शाइनर भी है, शेविंग किट भी है, डेंटल किट भी है और सुविधा का भी मौजूद है और शावर लगा हुआ है और जो है हेयर ड्रायर भी है, टॉवल्स हैं मौजूद हैं इधर। मुझे ये जूनियर स्वीट सिर्फ इसलिए पसंद आया कि इधर से बाहर का व्यू ज़रा ज़्यादा अच्छा है।